नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाइगर तालुका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव रंजन, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और साथ ही साथ अपने टीजीटी पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यहां पर हम लोग मुख्य रूप से बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी की, जिसमें मैं आपको जलवायु विज्ञान पढ़ा रहा हूं और कई सारे डेमो आपको दिए गए हैं और उसी के अंतर्गत एक और नया डेमो है जिसमें हम लोग वर्षण की बात करेंगे। वर्षण क्या होती है और वर्षा क्या होती है, इस प्रक्रिया को हम समझेंगे, ठीक ना। वर्षण क्या है और वर्षा क्या है, तो हमारा यही आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक को अगर हम पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वर्षा की, अगर सबसे पहले हम बात करें वर्षा, वर्षा क्या है जिसको हम इंग्लिश में रेन कहते हैं, तो वर्षा क्या होती है। इस वर्षा को समझने से पूर्व हमें दो क्रियाएं बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। एक है आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया और एक है आपकी संघनन की प्रक्रिया। ये दोनों प्रक्रियाएं हैं और दोनों प्रक्रियाएं एक समान ही है लगभग। अगर आपको एक प्रक्रिया समझ में आ गई तो दूसरी प्रक्रिया भी बखूबी आपको समझ में आ जाएगी। तो वर्षा से पूर्व हम पहले दो प्रक्रियाएं समझते हैं। एक है वेपोरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं। अगर वाष्पीकरण की हम बात करते हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में होता यह है कि जो आपका जल है ये जल द्रव अवस्था में है, यानी जल द्रव होता है और इस जल से बन जाती है जलवाष्प। जल से किसका निर्माण हो जाता है, तो जल से निर्माण होता है जलवाष्प का। और जल से जलवाष्प का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। द्रव या तरल से जलवाष्प बन रही है, यहां पर हम जल लिख लेते हैं, जल है अर्थात द्रव, और यहां से जलवाष्प बन रही है और जलवाष्प क्या है, तो जलवाष्प एक गैस है। जलवाष्प क्या है, गैस। तो द्रव अवस्था के गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को नाम दिया जाता है वाष्पीकरण। द्रव अवस्था के गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नाम दिया जाता है वाष्पीकरण। और यह वाष्पीकरण तभी संभव है जब ये जो जल है, जल की सतह का टेम्परेचर अधिक हो। जब जल की सतह का तापमान अधिक हो तभी यह प्रक्रिया हो सकती है, यानी जब तापमान अधिक होगा तभी द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगा अर्थात जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो फिर से एक प्रक्रिया और होती है, और इस प्रक्रिया में होता यह है कि जो गैस है, गैस अब द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी या द्रव के साथ साथ या ठोस में भी परिवर्तित हो सकती है। तो जब गैस द्रव या ठोस में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है संघनन की प्रक्रिया। कंडेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में हम संघनन। और संघनन की प्रक्रिया तभी संभव है जब टेम्परेचर कम हो। तो टेम्परेचर कम होगा जब संघनन होगा और टेम्परेचर अधिक होगा जब क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो जल जलवाष्प में परिवर्तित हो रहा था पुनः वही जलवाष्प द्रव में या फिर ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। ठोस में जब जलवाष्प से वर्षा होगी, जलवाष्प से द्रव में परिवर्तित होगी तो वर्षा होती है, उसको हम बोलते हैं जब जल जलवाष्प द्रव में परिवर्तित होगी तो उसको हम नाम देते हैं जलबूंद। क्या नाम देते हैं, जलबूंद। जब भी वर्षा जल के रूप में होती है तो उसे हम जलबूंद कहते हैं, और जब वर्षा हिम के रूप में होती है तो उसे ओलावृष्टि कहा जाता है। हिम जो है वो ठोस होती है जबकि जो जल होता है वो द्रव होता है, इसलिए गैस अवस्था के या गैस यहां पर क्या है, जलवाष्प। जब जलवाष्प यानी गैस द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, और संघनन कम तापमान पर ही संभव है और यहां पर वाष्पीकरण अधिक तापमान पर संभव है। तो संघनन और वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो हो रही है जिसमें जल जलवाष्प में परिवर्तित हो रहा है, फिर से जल जलवाष्प जल में परिवर्तित हो रही है, तो इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है वर्षण। इस पूरी प्रक्रिया को नाम क्या दिया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है वर्षण। यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्षण की प्रक्रिया के कौन कौन से घटक हैं या वर्षण की प्रक्रिया किस पर आधारित है, वर्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो वर्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक कारक है वाष्पीकरण, तो दूसरा कारक है आपका कंडेंसेशन यानी वर्षण।
सॉरी यानी संघनन, ठीक ना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया आपकी वर्षण की प्रक्रिया कहलाती है। और जो हो रहा है ये प्रक्रिया जो हो रही है वर्षण की प्रक्रिया हो रही है, जहां पर धरातल का जल अंतरिक्ष में जाता है, आकाश में जाता है और पुनः आकाश से या वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से पुनः धरातल पर आता है। तो जल घूमता रहता है, जल जलवाष्प के रूप में इस प्रकार घूमता रहता है और इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है जलचक्र। और देखिएगा यहां पर एक जलचक्र का एक डायग्राम है, यहां पर देखिएगा ये जल है और जल जब सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ेगा अर्थात जब यहां का टेम्परेचर अधिक होगा तो यहां से वाष्पीकरण होगा और संघनन हो जाएगा, परिणाम स्वरूप बादल बन जाएंगे और इन बादलों से तभी प्रक्रिया तभी वर्षा हो सकती है जब टेम्परेचर क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा और पुनः धरातल को या सागरीय महासागर से जहां से वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है वहां पर पुनः क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रक्रिया एक जो चक्र बनता है, पानी ऊपर जाना वायुमंडल में जाना फिर धरातल पर आना, यह प्रक्रिया जलचक्र कहलाती है। और जलचक्र प्रक्रिया तभी हो सकती है जब वर्षण की प्रक्रिया हो और वर्षण की प्रक्रिया तभी हो सकती है जब वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर यहां पर हम बात करते हैं वर्षा की, रेन, तो वर्षा तीन प्रकार की होती है या वर्षा के तीन रूप हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। पहली वर्षा है जिसको नाम दिया जाता है संवहनीय वर्षा, कन्वेंशन रेन बोलते हैं। दूसरी वर्षा है पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और माउंटेन रेन। और तीसरी वर्षा जो होती है बाताग्री वर्षा, बाताग्री वर्षा, फ्रंट रेन, ठीक ना, क्या फ्रंटल रेन भी बोलते हैं, बाताग्री वर्षा या चक्रवातीय वर्षा, समशीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, ठीक ना। यहां पे देखिएगा ये वर्षाओं के तीन रूप हैं। हालांकि मैं तीनों रूप आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं, फिर मैं एक बार समझा देता हूं। देखिएगा अगर सबसे पहले हम बात करते हैं संवहनीय वर्षा की, संवहनीय वर्षा की अगर बात की जाती है तो संवहनीय वर्षा में होता क्या है कि संवहनीय जो वर्षा है यह मुख्य रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र की विशेषता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र की विशेषता है। एक क्वेश्चन मिल गया, एक क्वेश्चन मैंने जलवायु प्रदूषणों में भी जो पब्लिक क्लास गई थी उसमें ही बताया था। अगर विषुवत रेखीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ये 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में 10 डिग्री उत्तर का क्षेत्र, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का क्षेत्र। तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के जो बीच का क्षेत्र है, इसी बीच के क्षेत्र को नाम दिया जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्र। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र की विशेषता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है जिस कारण से जो यहां पर हवाएं चलती हैं वो हवाएं गर्म हो जाती हैं। तो यहां पर गर्म हवाएं हैं, यहां की हवा कैसी हो जाती है, गर्म हवा, और ये गर्म हवा जो होती है शुष्क होती हैं जिस कारण से यह ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक ना, ऊपर उठेगी, हल्की भी होती हैं, ऊपर उठेगी शुष्क या यहां पर लिख लेते हैं हल्की होती हैं, तो यह ऊपर की ओर उठेंगी। तो जब हवाएं गर्म होकर सतह से लंबवत रूप से संचलित होती हैं या लंबवत रूप से ऊपर की ओर प्रसारित होती हैं तो इस प्रक्रिया को संवहन की प्रक्रिया कहा जाता है, इस प्रक्रिया को संवहन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो जैसे ही हवा यहां से गर्म होकर ऊपर की ओर जाएंगी तो एक निश्चित सीमा तक ही जा पाती है, एक निश्चित सीमा तक ही जा पाती है वायु, और वहां पर वायु एक निश्चित सीमा पर जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी आने के कारण इन पवनों में या इन हवाओं में, तापमान में कमी होने के कारण इन हवाओं में संघनन की प्रक्रिया होने लगती है जिस कारण से जो जलवाष्प जो वायु ऊपर उठ रही है वो वायु कैसी हो जाएगी, वो या तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी या ठोस में। तो ऊपर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, ये बात मैं कई बार आपसे बोलूंगा,
कि ऊपर बढ़ने पर जब तापमान में कमी आती है तो जो वायु है उस वायु में क्या होने लगती है, संघनन की प्रक्रिया होने लगती है, और संघनन की प्रक्रिया होने के बाद वहां से क्या होने लगती है, वर्षा। अगर सामान्य वर्षा को हम शॉर्ट रूप में दो लाइन में अगर लिखना चाहें या एक लाइन में लिखना चाहें तो ऐसा बोलेंगे, अधिक तापमान के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वायु लंबवत रूप से संचालित होती है और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसमें संघनन की प्रक्रिया होती है जिस कारण से वर्षा होने लगती है। इस वर्षा को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। इस वर्षा को क्या नाम दिया जाता है, तो इस वर्षा को नाम दिया जाता है संवहनीय वर्षा। ठीक ना, दूसरी बात समझिएगा, ये वर्षा होगी आपकी संवहनीय वर्षा। दूसरी बात ऐसी है कि इमेजिन करिएगा, ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है और इस ग्लोब पर यहां पर एक जीरो डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा। तो यहां पर तापमान अधिक होने के कारण यहां पर जो संवहनीय वर्षा है, संवहनीय तरंग उत्पन्न होगी और यहां पर संवहनीय वर्षा जो है कन्वेंशन रेन वो अधिक मात्रा में होगी। लेकिन जैसे जैसे आप जीरो डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ की ओर, या जीरो डिग्री से आप कहां जाएंगे, 90 डिग्री साउथ की ओर, तो चाहे जीरो से 90 डिग्री नॉर्थ जाइएगा या 90 डिग्री साउथ जाइएगा, तापमान में कमी आती है और तापमान में कमी आने के कारण जो संवहनीय वर्षा है, इस संवहनीय वर्षा की मात्रा में भी क्या आ जाएगी, इस संवहनीय वर्षा की मात्रा में भी कमी आ जाएगी। तो ध्रुवों पर चाहे 90 डिग्री नॉर्थ हो चाहे 90 डिग्री साउथ हो, यहां पर संवहनीय वर्षा क्या होगी, यहां पर संवहनीय वर्षा कम हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है कि संवहनीय वर्षा सर्वाधिक कहां पर होगी, तो संवहनीय वर्षा सर्वाधिक होती है जीरो डिग्री पर, विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा से आप या तो उत्तर की ओर जाइएगा या विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जाइएगा, संवहनीय वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। संवहनीय वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा समझते हैं सी में हम, दूसरा पॉइंट समझिएगा, ये भारत है, हमारा देश है भारत, और यहां पर भारत के यहां क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। एक तटीय क्षेत्र हो गया, ये वाला जो क्षेत्र है एक क्षेत्र तटीय क्षेत्र है, जबकि जो अंदर वाला क्षेत्र है आंतरिक क्षेत्र हो गया। अंदर वाला जो क्षेत्र है आंतरिक क्षेत्र हो गया, तो तटीय क्षेत्रों से अंदर की ओर जाने पर, तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भागों की ओर जाने पर तापमान में क्या होती है, तो तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भागों में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। अर्थात तटीय क्षेत्रों का तापमान कम होता है जबकि आंतरिक भागों का तापमान अधिक होता है। चूंकि यहां पर जल है और जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि स्थल जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है, इसलिए जो आंतरिक भाग होता है, जो धरातल के आंतरिक भाग होते हैं, वहां पर टेम्परेचर अधिक पाया जाएगा गर्मियों में और सर्दियों में टेम्परेचर कम पाया जाएगा, जबकि तटीय क्षेत्रों में तापमान गर्मियों में कम और सर्दियों में अधिक पाया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो जैसे जैसे तटीय क्षेत्रों से आप अंदर की ओर बढ़ेंगे तापमान में वृद्धि होगी, जिस कारण से संवहनीय वर्षा की मात्रा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो तटीय क्षेत्रों पर कम वर्षा होती है, जबकि तटीय क्षेत्रों पर कम संवहनीय वर्षा होगी, वर्षा नहीं कम संवहन, वर्षा तो तटीय क्षेत्रों में अधिक होगी, अभी बताएंगे पर्वतीय वर्षा होती है। लेकिन अगर संवहनीय वर्षा की बात करें तो संवहनीय वर्षा तटीय क्षेत्रों में कम होती है, जबकि आंतरिक भागों में संवहनीय वर्षा अधिक मात्रा में होगी। तो पहला ग्लोब पर, दूसरा भारत के संदर्भ में देखें हम, या क्षेत्रीय आधार पर देखें। तीसरी बात, अगर हम बात करें कि टेम्परेचर बढ़ने पर ही हवाएं गर्म होकर जब ऊपर उठती हैं तो उनके द्वारा संवहनीय वर्षा होती है, तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अगर बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा तापमान होने के कारण, अधिक तापमान होने के कारण अधिक मात्रा में संवहनीय तरंगों का निर्माण होता है जो आगे चलकर संवहनीय वर्षा करती हैं। तो शीत ऋतु की अपेक्षा कब, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक संवहनीय वर्षा होती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें दिन में और रात में, तो दिन का टेम्परेचर अधिक होता है, रात का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए दिन में संवहनीय वर्षा अधिक होती है और रात में संवहनीय वर्षा कम होती है या नगण्य होती है। ग्रीष्म ऋतु एवं दिन के समय एवं दिन के समय
संवहनी वर्षा अधिक होती है। अधिक, ठीक ना, एक पॉइंट हो गया। दिन ग्रीष्म ऋतु एवं दिन के समय सामान्य वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। अब यहां पर दिन के समय को और समझना है, दिन में किस समय सामान्य वर्षा अधिक होती है, ये हम पहले भी आपको बताए हैं, तो 12 से 4 बजे के मध्य दिन के समय में भी 12 से 4 बजे के मध्य में सामान्य वर्षा अधिक होती है। साथ ही साथ जो सामान्य वर्षा है इसकी विशेषता यह है कि यह तेज गति से सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में, तेज गति से सीमित क्षेत्र में अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए होती है। सीमित क्षेत्र में कम समय के लिए तेज गति से होती है, ठीक ना, एक सीमित क्षेत्र में होती है, पूरे क्षेत्र में नहीं होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है और दिन के समय में, रात के समय की अपेक्षा दिन के समय में यह अधिक होती है। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि दिन में कब होती है, तो दिन में 12 से 4 बजे के मध्य अधिक होती है, क्योंकि 12 से 4 बजे के मध्य में टेम्परेचर अधिक होता है, 12 से 4 बजे के मध्य में टेम्परेचर अधिक होता है। अब समझिएगा, जैसे ही वर्षा हो जाती है, जैसे ही सामान्य वर्षा हो जाएगी, धरातल को पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता मिल जाती है, धरातल को पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाती है, जिस कारण से धरातल का टेम्परेचर कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है। और जब टेम्परेचर कम, हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है, तो आसमान एकदम कैसा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र की विशेषता है सामान्य वर्षा, और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि 12 से 4 बजे तक तो अच्छी खासी वर्षा होती है, लेकिन 4 बजे के बाद मौसम एकदम सुहावना हो जाता है, और सुबह के समय भी मौसम एकदम सुहावना सा ही रहता है, लेकिन सुबह के समय की अपेक्षा शाम के समय में अधिक सुहावना मौसम रहता है, क्योंकि सुबह के समय क्या होता है, बादलों का निर्माण होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, संबंध धाराएं जब ऊपर उठने लगती है। तो इस वर्षा को क्या नाम दे दिया गया, इस वर्षा को नाम दे दिया गया संवहनी वर्षा। कौन सी वर्षा है, ये वर्षा होगी आपकी संवहनी वर्षा, ठीक ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक, क्योंकि ये बात हम पहले भी आपको समझाए। अगला देखिएगा, अगली वर्षा है आपकी पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, अगली वर्षा है आपकी पर्वतीय वर्षा। माउंटेन रेन, पर्वतीय वर्षा। अगर हम बात करते हैं पर्वतीय वर्षा की, तो पर्वतीय वर्षा जो है वो तटीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि विश्व में तटीय क्षेत्रों में ही अधिकांशतः मोड़दार पर्वतों का विकास हुआ है, और ये पर्वत क्या करते हैं, आने वाली वायु को, आने वाले मानसून को रोक लेते हैं, आने वाली वायु को या आने वाले मानसून को रोक लेते हैं, जिस कारण से पर्वतों के ढलानों पर वायु टकराती है और कुछ मात्रा में ऊपर उठती है, लेकिन ऊपर उठने पर जब तापमान कम होता है तो वर्षा कर देती है। आइए समझते हैं कैसे पर्वतीय वर्षा। देखिए, मान लीजिएगा यहां पर एक कोई पर्वत है, इस साइड बनाता है हम, मान लीजिएगा ये कोई इस प्रकार से एक पर्वत है, और यहां पर इस प्रकार से पवने आ रही है, पर्वत है और इस प्रकार से यहां पर पवने आ रही है, तो पवने पर्वतों के जे ढाल से सर्वप्रथम टकराती हैं, जिस स्लोप से पवने सर्वप्रथम टकराती हैं, इसको पवन सम्मुख ढाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इस ढाल को पवन सम्मुख ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन सम्मुख ढाल। तो पवन सम्मुख ढाल, जिस ढाल से पवने टकराती उसे पवन सम्मुख ढाल कहते हैं, और ये पवन सम्मुख ढाल क्या करता है, इन जो पवने आ रही है इन पवनों के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देता है। जब ये बाधा उत्पन्न कर देगा,
जब ये बाधा उत्पन्न कर देगा तो ये पवन है पर्वतीय क्षेत्रों से ऊपर उठती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से ऊपर उठने लगती हैं, ठीक ना, इन पर्वतों से ऊपर उठने लगती हैं। अब समझिएगा, चूंकि ये जो पवने आ रही हैं, ये पवने आर्द्र होती हैं, ये आर्द्र हैं, आर्द्र हैं मतलब इसका अर्थ है कि इनमें नमी है, और नमी होने के कारण यह पवने बहुत अधिक भारी होती हैं, और जो भी चीज भारी होती है वो अधिक ऊंचाई तक नहीं उठ सकती है, एक निश्चित ऊंचाई तक तो उठेगी लेकिन अधिक ऊंचाई तक वो नहीं उठ सकती है। तो ये पर्वतों की जो सर्वोच्च चोटी होती है या जो पर्वतों का सर्वोच्च भाग होता है उसके कुछ ऊपर तक ही उठ सकती हैं, लेकिन भारी होने के कारण ये अधिक ऊंचाई तक नहीं बढ़ पाएंगी। अब देखिएगा, तो जैसे जैसे मान लीजिएगा ये धरातल है यहां तक, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी, तो ये जो भारी पवन है जिनमें आर्द्रता है यहां पर तापमान में कमी होने के कारण इन पवनों में कौन सी प्रक्रिया होने लगती है, कंडेंसेशन की, संघनन की प्रक्रिया होने लगती है, परिणाम स्वरूप ये पवने क्या करने लगती हैं, तो ये पवने यहां पर वर्षा कर देती हैं, यहां पर ये वर्षा कर देती हैं, और जैसे ही वर्षा कर देती हैं अब ये और हल्की हो जाती हैं, क्योंकि जो इनमें नमी थी वो नमी इन्होंने पर्वतों के ढलानों पर छोड़ दी है, अभी और हल्की होती हैं तो और अधिक ऊपर उठती हैं, और अधिक ऊपर उठने के बाद यहां से होते हुए आगे बढ़ जाती है, यहां से होते हुए आगे बढ़ जाती है, या इसी पर्वत की ढलान के सहारे नीचे उतर आती है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, इसी पर्वत की ढलान के सहारे कहां उतर आती हैं, नीचे उतर आती हैं। चूंकि अब जो ये पवने यहां पर चल रही हैं, चाहे ऐसी बना दें चाहे ऐसी, चूंकि अब ये शुष्क हो चुकी हैं, चूंकि अभी शुष्क हो चुकी हैं, जो इनमें नमी थी वो नमी समाप्त हो चुकी है वर्षा होने के कारण, अभी शुष्क हो चुकी हैं, तो इस वाले ढलान पर ये वर्षा नहीं करती हैं, तो पवनों के द्वारा जिस ढाल पर सबसे पहले टकराती हैं और जहां वर्षा करती हैं उसे तो पवन सम्मुख ढाल कहा जाता है, लेकिन पवन सम्मुख ढाल के विपरीत दिशा में जहां पर पवनों के द्वारा वर्षा नहीं होती है, पर्वतों का विपरीत ढाल जहां जो पवन सम्मुख ढाल के विपरीत है जहां पर वर्षा नहीं हो रही है उसे नाम दिया जाता है पवन विमुख ढाल। पवन सम्मुख मतलब सामने, विमुख मतलब पीछे, पवन विमुख ढाल क्या नाम दिया गया, पवन विमुख ढाल। चूंकि पवन विमुख ढाल जो है यहां पर वर्षा नहीं हो पाती है, यहां पर वर्षा का क्या रहता है, तो यहां पर वर्षा का अभाव रहता है, और वर्षा का अभाव रहने के कारण यह वाला क्षेत्र सूखा रह जाता है। वर्षा ऋतु में वह क्षेत्र जहां पर वर्षा ना हो, पर्वतों का वह क्षेत्र जहां पर वर्षा ऋतु में वर्षा ना हो, या वह क्षेत्र जहां पर वर्षा ऋतु में वर्षा ना हो, तो ऐसे क्षेत्र को रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, और यह वृष्टि छाया प्रदेश भारत में भी कई स्थानों पर है, जैसे आपका मैसूर का पठार, जैसे आपका विदर्भ का पठार, जैसे कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु का कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, तो यहां पर पवन आती हैं, एक तट पर टकराती हैं और दूसरे तट पर नहीं पहुंच पाती हैं, जिस कारण से वो सूखे रह जाते हैं, वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों को क्या नाम दिया जाता है जहां पर वर्षा का अभाव रहता है, रेन शैडो एरिया, हिंदी में बात करें तो वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, क्या नाम दिया गया, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक ना। देखिएगा यहां पर, देखिएगा थोड़ी सी चीजें और समझाते हैं और डिटेल में चलते हैं, ये तो एक बात हो गई। अब ऊपर वाली बात करते हैं, तो जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में कमी आने के कारण, तापमान में कमी आने के कारण वर्षा प्रारंभ हो जाती है, तो कुछ ऊंचाई तक तो वर्षा अधिक मात्रा में होती है, उसके बाद वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, ठीक ना। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, तापमान में कमी आ रही है, जिस कारण से कौन सी प्रक्रिया हो रही है, संघनन की प्रक्रिया हो रही है, परिणाम स्वरूप वर्षा हो रही है, परिणाम स्वरूप क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। लेकिन और अधिक ऊंचाई पर जाने पर लगातार जब ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो तापमान में तो कमी आएगी ही, लेकिन वर्षा की मात्रा में क्या होती है, कमी आनी प्रारंभ हो जाती है, जिसे वर्षा की विलोमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्षा की विलोमता, या अर्थात ऊंचाई बढ़ने पर कुछ समय तक तो वर्षा अधिक होती है, उसके बाद वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है, तो ऊंचाई बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में आने वाली कमी को
वर्षा की विलोमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा की विलोमता। आपसे प्रश्न पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वर्षा की विलोमता किस वर्षा का उदाहरण है, या वर्षा की विलोमता किस वर्षा के अंतर्गत आती है, वर्षा की विलोमता किस वर्षा के अंतर्गत आती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो किस वर्षा के अंतर्गत आती है? पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत आती है। है क्या वर्षा की विलोमता? विलोमता मतलब विपरीत। तो तापमान में कमी आने पर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में कमी आने पर जब संघनन अधिक होगा तो वर्षा भी अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहां पर विपरीत कंडीशन बन रही है, कुछ ऊंचाई पर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है, इसी को नाम दे दिया गया वर्षा की विलोमता। बोलिएगा क्लियर है चीजें? चले, तो इसको क्या नाम दे दिया गया? इसको नाम दे दिया गया वर्षा की विलोमता। एक और वर्षा आती है आपकी, और जो वर्षा है वातागिरी वर्षा। मैंने आपको क्लास में, जिन लोगों ने एडमिशन लिया है क्लास में, मैंने आपको वातागिरी चक्रवात या समशीतोष्ण चक्रवात समझाया था, और समशीतोष्ण चक्रवात पर होने वाली वर्षा को ही वातागिरी वर्षा कहते हैं। तो हमारी हेडिंग है वातागिरी वर्षा, और वातागिरी वर्षा समझने से पूर्व हम वातागिरी समझेंगे कि फ्रंट क्या होता है। फ्रंटल ईयर रेन कहा जाता है, रेन, ठीक ना? होता क्या है देखिएगा, सबसे पहले हम वाताग्र को समझते हैं कि वाताग्र क्या है। वाताग्र फ्रंट क्या होता है? वाताग्र एक ऐसा क्षेत्र जहां पर दो विपरीत स्वभाव वाली पवनें मिलती हैं। दो विपरीत स्वभाव वाली पवनें मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाताग्र कहते हैं। अब दो विपरीत स्वभाव वाली पवनों का मतलब है कि एक पवन ठंडी होगी और एक पवन कैसी होगी? एक पवन गर्म होगी। तो ठंडी और गर्म पवनें जहां पर मिलेंगी वहां पर किसका निर्माण हो जाता है? वहां पर निर्माण हो जाता है वाताग्र का। देखिएगा, ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है, और इस ग्लोब पर यहां पर 0 डिग्री अक्षांश, यहां पर 30 डिग्री अक्षांश उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब, और यहां पर 60 डिग्री अक्षांश उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, और यहां पर 90 डिग्री अक्षांश उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। क्योंकि आपको मैं पहले भी समझाया हूं सारी चीजें कि यहां पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण लो प्रेशर बनेगा, यहां पर हाई प्रेशर बनेगा, फिर से यहां पर लो प्रेशर, और फिर से यहां पर हाई प्रेशर। तो पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, पढ़ाया गया है सब आपको। तो यहां पर क्लॉकवाइज पवने चलती हैं 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ की ओर, आप दक्षिणी गोलार्ध में भी चला सकते हैं। अगर इन पवनों की बात की जाए तो इन पवनों का नाम है पछुआ पवन। आगे वाले भाग पूरब है तो पीछे वाला भाग पश्चिम होता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, तो पछुआ पवन है ये, और ये 60 डिग्री नॉर्थ पर आके मिल रही है, और इसका नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का केंद्र। एलपी लिखा है लो प्रेशर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब है। तो यहां पर एक पवन चली, और यहां पर अगर और देखेंगे तो इस हाई प्रेशर से यहां की ओर एक पूर्वी ध्रुवीय पवन है, पूर्व दिशा से आ रही है, पूर्वी ध्रुवीय पवन है। तो एक पश्चिमी पछुआ पवन है और एक पूर्वी ध्रुवीय पवन है। ध्रुवीय पवन जो है वो ध्रुवों से उत्पन्न होती हैं, और ध्रुवों पर तापमान बहुत कम होने के कारण ये बर्फीली स्वभाव की होती है, अर्थात ये ठंडी पाई जाती है, जबकि पछुआ पवन गर्म पाई जाती है। पछुआ पवन कैसी पाई जाती है? तो पछुआ पवन गर्म पाई जाती हैं। तो ये दोनों पवने कहां मिलती हैं?
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के केंद्र में मिलती हैं या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में मिलती हैं, और जब दो विपरीत स्वभाव वाली पवनें 60 डिग्री अक्षांश पर चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो जब यहां पर मिल जाएंगी तो किसका निर्माण कर देती हैं, तो निर्माण कर देती हैं वाताग्र का, निर्माण कर देती हैं वाताग्र का। तो यहां से तीन क्वेश्चन मिले कि वाताग्री वर्षा किन अक्षांशों पर होती है, 60 डिग्री अक्षांश पर होती है, वाताग्र का निर्माण किन अक्षांशों पर होता है या वाताग्र का निर्माण किस क्षेत्र में होता है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के केंद्र में होता है, और वाताग्र का निर्माण किन पवनों के द्वारा होता है, तो वाताग्र का निर्माण ध्रुवीय पवन जो कि ठंडी पवन है और पछुआ पवन जो कि गर्म पवन है, इन दोनों पवनों के अभिसरण अर्थात इन दोनों पवनों के मिलने से ही क्या होता है, वाताग्र का निर्माण हो जाता है, वाताग्र का निर्माण हो जाता है। तो देखिएगा ये ठंडी है कोल्ड और यहां पर एक बार्म है W बार्म, एक कोल्ड और एक बार्म पवनें मिलती हैं और निर्माण कर देती हैं किसका, तो निर्माण कर देती हैं एक संक्रमित क्षेत्र का और इसी संक्रमित क्षेत्र को नाम दिया जाता है वाताग्र। क्या नाम दिया जाता है, वाताग्र, और वाताग्र पर होने वाली जो वर्षा है उस वर्षा को नाम दिया जाता है वाताग्री वर्षा। अब यहां पर दो वाताग्र बन सकते हैं, एक तो ऐसा होगा कि गर्म वायु जब ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, जब गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है, एक कंडीशन होती है, तो जैसी गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो इस वाताग्र का नाम है उष्ण वाताग्र, और उष्ण वाताग्र पर जैसे ही उष्ण वाताग्र का निर्माण होगा अर्थात टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लो प्रेशर का यहां पर निर्माण हो जाएगा, तो उष्ण वाताग्र पर लो प्रेशर का निर्माण होता है और उष्ण वाताग्र जैसे ही प्रवेश करता है तो गर्म हवाएं होती हैं और ये गर्म हवाएं ठंडी हवाओं को विस्थापित कर देती हैं, परिणाम स्वरूप ठंडी हवाएं कहां की ओर उठ जाती हैं, तो ठंडी हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती है। ठंडी हवाएं कहां पर उठ जाएंगी, ठंडी हवाएं ऊपर की ओर उठ जाएंगी, सतह से ऊपर की ओर जाएंगी, और यहां पर उष्ण वाताग्र पर मंद गति से सीमित क्षेत्र में कम समय के लिए वर्षा भी हो जाएगी। इसके विपरीत दूसरी कंडीशन बताते हैं, अगर ऐसा हो जाए जब ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में जब ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो शीत वाताग्र का निर्माण हो जाता है, किसका, शीत वाताग्र का निर्माण हो जाता है, और शीत वाताग्र पर वर्षा तेज गति से अच्छे समझिएगा, शीत वाताग्र पर वर्षा तेज गति से सीमित क्षेत्र में अल्पकाल के लिए होती है, ठीक ना, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर अब आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि वाताग्री वर्षा किन पवनों के द्वारा होती, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि सर एक पछुआ पवन है और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी आपकी ध्रुवीय पवन है। अगर हम पछुआ पवनों की बात करते हैं तो पछुआ पवन है पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, तो ये वर्षा जो है जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस वर्षा की मात्रा में कमी आती जाएगी, क्योंकि पश्चिम से जब वो पूरब बढ़ेगी तो जो क्षेत्र पश्चिम में होंगे वहां पर अधिक वर्षा करेगी और जो क्षेत्र पूरब में होंगे वहां पर कम वर्षा करेगी। तो 60 डिग्री यहां पर 30 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्रों में जो वर्षा होगी वो वाताग्री वर्षा होगी यहां पर 60 डिग्री के क्षेत्र में, और वाताग्री वर्षा
पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर घटती जाती है, क्योंकि इसमें दोनों पवनों में ए वाली पवन ज्यादा सक्रिय होती है, पछुआ पवन है ज्यादा सक्रिय होती है, गर्म पवन है और गर्म पवन शुष्क होती हैं और गर्म पवन शुष्क होने के साथ साथ तेज तेज चलती हैं, क्योंकि आर्द्रता का अभाव पाया जाता है इसलिए बहुत तेज गति से चलती हैं। तो जैसे जैसे पछुआ पवन है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वातागिरी वर्षा में क्या आती जाएगी, उसकी मात्रा में कमी आती जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक ना। तो वर्षा और वर्षा की विधियां, वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है, आज हमने इस टॉपिक में समझा है, ठीक ना। आपको स्क्रॉलिंग में नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपका कोई भी बैच हो, संस्थान में 10 बैच चलाए जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, आने वाले समय में और भी बैच बढ़ सकते हैं। तो अभी फिलहाल इतने ही बैच हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का एप्लीकेशन लिंक है, अगर आप लोगों ने अभी तक उसे डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा और जल्दी से कोर्स को परचेज कर लीजिएगा और आइएगा। जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी पेड बैच के विद्यार्थी हैं, वो आपको बता सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से क्लासेस चल रही हैं, उसमें डाउट सेशन भी होता है, आपको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ में आपको कुछ पेपर, कुछ क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए भी दे रहा हूँ, यानी क्लास वर्क और होमवर्क साथ साथ में चल रहा है, ठीक है। थैंक यू, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।